भागलपुर जिले के तैतरी मंदिर में 22 मई को सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। इसको लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक मेंबर हैं, मतलब जो ग्रुप कमेटी के मेंबर हैं अनुज चौधरी से, हम उनसे बात करते हैं क्या कुछ प्रोसेस है और कितने लोगों का टारगेट रखा गया है शादी को लेकर के, इनसे बात करते हैं। नमस्कार। इसको लेकर बताइए क्या कुछ है सामूहिक शादी का प्रोसेस और कैसे लोग यहाँ आ सकते हैं। सबसे पहले आपके इस G18 के सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत हम अपने कमेटी की ओर से करते हैं। जैसा कि अपने अभी इस मीडिया के माध्यम से अपने समाज को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि 22 मई को तिथि दुर्गा मंदिर में सामूहिक विवाह का आयोजन रखा गया है, उसमें लगभग 51 जोड़े का शादी 22 मई को होने वाली है। प्रोसेस क्या है अभी तक, कैसे क्या कर सकते हैं? प्रोसेस इसमें है कि जैसे कि समाज में किसी व्यक्ति की इच्छा हुई कि हम अपने बिटिया की शादी सामूहिक विवाह में करने की इच्छा जता रहे हैं, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। 11 रुपये का शुल्क है, 11 रुपये शुल्क देकर के आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। सामूहिक शादी में क्या कुछ लड़कियों को लाना होगा या फिर कितने परिवार आ सकते हैं उनके साथ, ये उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, जैसे कि एक जोड़े ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया तो एक जोड़े के पीछे उनके 50 जनों के भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था और शादी में जो दान देने की परंपरा चलते आ रही है, तो लगभग 8,000 रुपये की दान देने की समान भी व्यवस्था, बर्तन वगैरह की जाए। जी, बर्तन वगैरह। किन यहाँ पर जो पुजारी होंगे उनके द्वारा क्या कुछ है, उनके बारे कहाँ पर मंदिर के पुजारी होगा, कुछ अलग से पुजारी आएंगे उनके बारे में? जैसे कि यहाँ के मुख्य बाबा जो मुख्य पंडित जी कहलाते हैं, विकास बाबा हैं, उनके सानिध्य में ये शादी करवाई जाएगी और मंदिर कम्युनिटी में जितने भी यहाँ पे कहा जाए कि शादी कराने वाले पंडित हैं वो सभी का सहयोग मिल रहा है हम सबों को। कोई जाति विशेष या कुछ कौन किन किन लोग आ सकते हैं यहाँ? ऐसा नहीं है कि किसी जाति विशेष का बंधन है, किस कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आकर इस शादी में शामिल हो सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, कोई जाति बंधन नहीं है। कहाँ पर होगा, एड्रेस बता दें इसको लेकर? ये भागलपुर जिले का जो एक स्थान कहा जाए तैतरी दुर्गा मंदिर, और बहुत चर्चित है अपना तैतरी दुर्गा मंदिर, उन्हीं के प्रांगण में 22 मई की संध्या। अपना परिचय देते हैं? अनुज चौरसिया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। इसके लिए कुछ फोन नंबर भी जारी किया गया है? हाँ, 2 फोन नंबर हम लोग जारी किए हैं, 1887951189 है, एक और हमारे बड़े भाई अरविंद सिंह हैं, उनका भी नंबर दिया गया है। सामूहिक शादी के बारे में कैसे क्या कर सकते हैं, 11 रुपये के रजिस्ट्रेशन पे हम कर रहे हैं, 2 फोन नंबर भी जारी किया गया है, और जिसमें कि जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर वधु पक्ष हैं वो यहाँ पर आकर अपने रजिस्ट्रेशन करवाकर सामूहिक शादी में भाग ले सकते हैं। शिवम सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर।